व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री धर्मेंद्र कैश्यप जी। जी आपने बोलने का मौका दिया, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मंत्री जी ने रेल की गति को बढ़ाने का काम तो किया ही है, रेल विभाग को प्रगति पर भी ले जाने का काम किया है, चाहे रेल दोहरीकरण का काम हो, चाहे विद्युतीकरण का काम हो, रेल दुर्घटनाओं को रोकने का काम हो। मानवर में अपने मेरा क्षेत्र आंवला जो जनपद बरेली के अंतर्गत आता है, जिसमें कि बरेली चनोसी रेल मार्ग है और बरेली कासगंज रेल मार्ग है, जिसमें रामगंगा से पहले संपार संख्या 252B जो NER का है, संपार संख्या 2A ये NR का है, इसमें बरेली से मथुरा और आगरा को भी राजकीय मार्ग है, जिसमें लंबा जाम लग जाता है, यहाँ ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसी तरीके से मेरी आंवला लोकसभा में पीताम्बरपुर एक नगर पालिका है जो आधा इस तरफ बसा हुआ है, आधा इस तरफ, बीच में रेल लाइन जा रही है और बहुत लोगों को कठिनाई होती है, जिसकी संपार संख्या 352C है जो NR का है, उस पर भी ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें। तीसरा मेरे विशारतगंज जो आंवला लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है, पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग है 6A NR जो इफको भी को भी जोड़ता है, जिसमें लोगों को निकलने में काफी परेशानी होती है, इस पर भी ओवरब्रिज बनाने का काम करें। मानवर मेरी लोकसभा के अंतर्गत बिलपुर रेलवे स्टेशन आता है, जहां कोरोना काल में कई ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, 15273/74 सत्याग्रह एक्सप्रेस है जो कोरोना काल से ही बंद है, उसको पुनः चालू कराने का कष्ट करें। इसी तरह से 50/74/75 जो त्रिवेणी एक्सप्रेस है, उसका स्टॉपेज बिलपुर पर ख़त्म कर दिया गया था, उसको भी चालू कराने का कष्ट करें। इसी तरीके से 54/377/78 जो बरेली से प्रयागराज को जाती है, उसको बंद कर दिया गया है, इसको पुनः चालू कराने का काम करें। इसी तरीके से 043/79/80 ये बरेली से रोजा के लिए एक लोकल ट्रेन चलती थी जो कोरोना काल में बंद कर दी गई, इसको भी चालू कराने का कष्ट करें। मानवर मेरा आंवला लोकसभा पड़ता है, आंवला लोकसभा में आदर्श स्टेशन बनाने का काम आंवला को किया गया, लेकिन वहाँ कोई भी उच्चीकरण का काम नहीं हुआ है। इसी तरीके से चनेटी कैंट का नाम बदल करके बरेली कैंट स्टेशन रखा गया, उसका भी उच्चीकरण नहीं हुआ है, जो कि सेना के लोग वहाँ से चढ़ते हैं, उसके प्लेटफार्म को भी बनाने का काम करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। मानवर इंटरसिटी जो लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए चलती है, गाड़ी नंबर 15011 और 15012, इसका ठहराव अगर आंवला में हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। गाड़ी संख्या 14009 14010 जो साप्ताहिक चलती है, बापूधाम से आनंद विहार तक जाती है, रात को 2 बजे आंवला स्टेशन पर पहुंचती है। आंवला से दिल्ली जाने के लिए कोई साधन नहीं है, अगर इसका स्टॉपेज हो जाए तो आपकी बहुत कृपा हो जाएगी। इसी तरीके से एक विशारतगंज रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहाँ सद्भावना एक्सप्रेस 04010 04011 और 04016 04040 चंडीगढ़ इंटरसिटी है, इसका भी ठहराव हो जाए तो मानवर बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी। दूसरा मेरी लोकसभा क्षेत्र में बदायूं जनपद की 2 विधानसभाएं आती हैं। बदायूं जनपद एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से लखनऊ और दिल्ली के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। अगर बदायूं से दातागंज होते हुए शाहजहांपुर को जोड़ दिया जाए तो ये राजधानी के लिए सुविधा मिल जाएगी, और बदायूं से दिल्ली के लिए अगर कोई ट्रेन चालू हो जाएगी तो लोगों को लाभ मिलेगा। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री फसल रघुमान जी।